प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को 5 दिन की विदेश यात्रा पर रवाना हो गए। वे पहले स्वीडन और उसके बाद ब्रिटेन जाएंगे। पहली बार स्वीडिश प्रधानमंत्री स्टेफान लोफवेन किसी राष्ट्राध्यक्ष की अगुवाई के लिए एयरपोर्ट जाएंगे। मंगलवार को स्टॉकहोम में दोनों प्रधानमंत्री कई मुद्दों पर बातचीत करेंगे। तेलंगाना में मक्का मस्जिद ब्लास्ट केस में राष्ट्रीय जांच एजेंसी की नामापल्ली स्पेशल कोर्ट ने सोमवार को 11 साल बाद फैसला सुनाया। कोर्ट ने स्वामी असीमानंद समेत 5 आरोपियों को बरी कर दिया। उन्नाव दुष्कर्म मामले में भाजपा विधायक का नाम सामने आने के बाद कांग्रेस सांसद कमलनाथ ने पार्टी पर निशाना साधा है। उन्होंने सोमवार को कहा कि अब भाजपा का नाम भारतीय बलात्कार पार्टी रख देना चाहिए। वहीं राहुल गांधी ने कहा कि दुष्कर्म के दोषियों को सजा दिलाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाना चाहिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि अगर अयोध्या में राम मंदिर फिर से नहीं बनाया गया तो हमारी संस्कृति की जड़ें कट जाएंगी। हमें राम मंदिर चाहिए। वैसे राम मंदिरों की कोई कमी नहीं है, लेकिन राम की जन्मभूमि एक ही है। भारत में इस साल सामान्य मॉनसून रहने की उम्मीद है। भारतीय मौसम विभाग के एक अधिकारी के अनुसार इस साल देश में बेहतर फसल की उम्मीद की जा सकती है। एशिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में जहां आधे से ज्यादा खेती योग्य जमीनों पर सिंचाई की समस्या रहती है, इस बार यहां मॉनसून का साथ मिलेगा। कठुआ में एक मासूम के साथ बलात्कार कर उसकी हत्या के मामले में आरोपी 8 लोगों ने सोमवार को खुद को बेकसूर बताते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश से नार्को टेस्ट कराने का अनुरोध किया है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी सोमवार को अमेठी के दौरे पर पहुंचे। अमेठी पहुंचने के बाद राहुल यहां के एक कांग्रेस नेता के निधन के बाद उनके परिजनों से मिलने पहुंचे। यहां उन्होंने कांग्रेस नेता के परिवार की मदद का आश्वासन दिया। जम्मू कश्मीर में सेना के एक जवान पर आतंकी संगठन में शामिल होने का शक है। ये जवान कुछ दिनों से लापता है, जिसके बाद अब बंदूक के साथ उसकी एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिससे उसके आतंकी संगठन ज्वाइन करने की आशंका बताई जा रही है। लगातार 8वें ट्रेडिंग सेशन में घरेलू शेयर बढ़त के साथ बंद हुए। गिरावट के साथ शुरुआत के बाजार में रिकवरी आई, जिससे सेंसेक्स और निफ्टी बढ़त के साथ बंद होने में कामयाब रहे। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 113 अंक चढ़कर 34,305 और निफ्टी 48 अंक बढ़कर 10,582 के स्तर पर बंद हुआ।